नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम ही ट्रीटमेंट के चैप्टर से, दोस्तों पार्ट 31 वाले में। 31 पार्ट क्लियर करा चुके हैं, 32 वाले पार्ट से हम चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए नंबर वन के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला नंबर का क्वेश्चन जो है, हार्डने की प्रक्रिया करने में धातु पर हार्डनेस के गुण का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हार्डनिंग प्रक्रिया है तो सबसे पहले हम हार्डनिंग जान लेते हैं दोस्तों। हार्डनिंग विधि का प्रयोग धातुओं की कठोरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, या कठोरता किसी पदार्थ का वह गुण जो खुरचे जाने पर या घिसने पर मशीनिंग का विरोध करता है, वह हमारे लिए क्या हो जाएगी, हार्डनिंग हो जाएगा। कार्बन स्टील को हार्ड करने के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। कार्बन का परसेंटेज जैसे हम बढ़ाते हैं तो वह हार्डनिंग का मात्रा निर्भर करती है। हाई स्पीड स्टील के हार्डनिंग के पश्चात पुनः 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करने पर ठंडा करने में कठोरता बढ़ती है, इसे सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। अगर बात किया जाए तो डील को हार्ड करने के लिए गर्म करके उसके तेल में खड़ी अवस्था में क्वेंचिंग में ठंडा किया जाता है। जैसे हाई स्पीड स्टील के हार्डनिंग टेम्परेचर के लिए कितना है तो 1250 डिग्री सेल्सियस होती है। इसी प्रकार से हाई स्पीड स्टील के टूल को 1250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके के पश्चात क्वेंचिंग माध्यम से ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद से हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्वेंच किया जाता है। और भी कारण हो सकते हैं, हार्डनिंग विधि के बाद धातु अधिक हार्ड हो जाती है और अधिक ब्रिटल तथा भंगुर भी हो जाती है, जिससे टूट भी सकती है। हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर हार्डनेस लगभग कितना HRC होता है, तो 62 HRC होता है, HRC होता है। बिना एलॉय स्टील के बनी धातु को कम गर्म करने पर उसके क्रैंक आ जाती है। इस तरह के कई कारण हो सकते हैं, तो इसका आंसर के बारे में देख लेते हैं। हार्डनिंग की प्रक्रिया करने में धातु की हार्डनेस के गुण पे क्या प्रभाव पड़ जाता है, तो जब हार्डनिंग प्रक्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ पे तो टेम्परिंग में कह रहा है, टेम्परिंग में मतलब क्या किया जाता है, तो टेम्परिंग जब हम करते हैं तो भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भंगुरता कम होगी और उसमें टफनेस बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है स्टील को हार्ड पार्ट को मुलायम करने के लिए। हार्ड पार्ट को, स्टील के हार्ड पार्ट को मुलायम करने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर स्टील के हार्ड पार्ट्स की बात कर रहा है, स्टील के हार्ड पार्ट क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्राइडिंग। अगर मतलब किसी भी जैसे कि धातु है और उसको मशीनिंग करने योग्य बनाना है, तो वहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एनलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा अगला, वह कौन सी विधि है जिसमें लो कार्बन स्टील की सतह पर गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। गहराई में की बात कर रहा है तो टेम्परिंग होगा ना, ये मतलब उसके क्या है कि धातु के गुण को बढ़ाने के, कम करने के, नॉर्मलाइजिंग भी उसी काम में आता है और एनलिंग भी। लेकिन कार्बोनाइजिंग क्या होता है कि मतलब लो कार्बन उसके सतह को गहराई तो कार्बन की परसेंटेजता बढ़ाने के लिए, हार्ड करने के लिए हम कार्बोनाइजिंग का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि द्वारा स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जाता है। निम्न हालत की बात कर रहा है, तो मतलब कह रहा है कि द्वारा स्टील ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जाता है, सामान्य कार्य करने के बाद। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग हो जाएगी। कार्य करने के बाद कह रहा है कि सामान्य दशा में लाया जाता है। नेक्स्ट है, माइल्ड स्टील के पार्ट्स के सरफेस को घिसने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया किया जाता है, तो उस पर क्या हो जाएगा, ये तो प्रोसेस विधि हो जाएगी धातु को आकार में परिवर्तन में किसी भी स्ट्रक्चर को बदलने के लिए। बट लेकिन यहाँ पे केस हार्डनिंग की बात जो हो जाएगी वो घिसने से बचाने के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, निम्न में से किसके द्वारा फर्नेस का तापमान मापा जाता है, किसके द्वारा, तो पायरोमीटर के द्वारा। क्या होता है कि ये 500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर को अपने अंदर कवरेज कर सकता है और बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से हार्डनिंग टेम्परेचर किस पर निर्भर करती है। हार्डनिंग टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो कार्बन की मात्रा पर निर्भर करेगी हार्डनिंग टेम्परेचर जो रहेगा। हाई स्पीड स्टील
के टूल के हार्डनेस निम्न में से कितनी होती है? हार्डनेस की बात कर रहा है तो 62 HRC हाइपर एपर्चर कैपेसिटी होती है, ठीक है, कितनी होती है? 62 HRC होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा टूल की स्टील के पार्ट को सरफेस को हार्ड किया जा सकता है? टूल स्टील की बात बोल रहा है तो इंडक्शन हार्डनिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टूल स्टील मतलब स्टील के जो भी पार्ट हैं उसको हार्ड करना है तो इंडक्शन विधि हो जाएगी। किस पार्ट को ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के लॉ द्वारा गर्म किया जा सकता है तथा साथ में पानी का फवारा देकर पार्ट्स को ठंडा करते हैं? यह प्रक्रिया किस विधि में अपनाई जाती है? तो फ्लेम हार्डनिंग विधि में पानी का फवारा देके इसमें क्या किया जाता है, पार्ट को ठंडा हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील पीस एनलिंग में क्या करना चाहिए? स्टील पीस के एनलिंग में क्या करना चाहिए? तो पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने देना चाहिए। स्टील पीस यहाँ पे बात कर रहा है, स्टील की कोई पीस है। अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन एक बताया था कि नॉर्मलाइजिंग जहाँ तक देखा जाए तो जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार का था कि जैसे कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है कि स्टील के हार्ड पार्ट को मुलायम करने के लिए, बात कर रहा है। तो यहाँ पे बात कर रहा है स्टील पीस एनलिंग में क्या करना चाहिए। तो एनलिंग जब हम कर रहे हैं वहाँ पे तो पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने देना चाहिए। स्टील पीस को जब एनलिंग का काम कर रहे हैं तो भी वही होगा, तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनलिंग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग के बाद फिर से 400 डिग्री सेल्सियस है अधिक तापमान पर गर्म करके ठंडा करने की विधि में के क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी जब 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसकी कठोरता बढ़ती है और इसे सेकेंडरी हार्डनिंग कहेंगे। कौन सी कठोरता बढ़ेगी तथा इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी हार्डनिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, निम्न में से किस कारण वश कास्ट आयरन का स्ट्रेस रिलीजिंग करना आवश्यक माना जाता है? तो इसमें रेजिड्यूल स्ट्रेसेस हो जाते हैं कास्ट आयरन में, उसके लिए रिलीजिंग करना आवश्यक माना जाता है। यही एक कास्ट आयरन में सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, डिल की हार्डनिंग के लिए उसे गर्म करके तेल में किस अवस्था में क्वेंचिंग की जाती है? तो खड़ी अवस्था में डायरेक्ट उसको क्या है, डील को डायरेक्ट खड़ी अवस्था में उसको हम डालते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्टील की कार्बन प्रतिशत की प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता? तो लोअर क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है दोस्तों, उस पर कार्बन प्रतिशत का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता स्टील के, तो लोअर क्रिटिकल पॉइंट पे प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए धातुओं का ऊष्मा उपचार किया जाता है? तो कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए, मतलब उसके आंतरिक गुणों को सुधार के लिए, कुछ उत्पन्न करने के लिए या कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए हम उसका यूज कर लेते हैं। स्टील की इंटरनल स्ट्रक्चर को पुनः सुधारने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो मार्टन साइड को टूराक साइड में बदलने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग विधि का यूज करते हैं, बाकी सब इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, किस प्रक्रिया में स्टील के पार्ट को 723 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म करने के पश्चात उसे उसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल आ जाएगा आपका, सिंपल है दोस्तों, तो एनलिंग प्रक्रिया में किया जाता है, मतलब उसी भट्टी में उसको छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से ऊष्मा उपचार करने में स्टील का पार्ट क
क्रैंक हो जाता है किसमें, इसे बहुत तेजी से ब्राइन में ठंडा जब किएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रैंक पड़ जाएगा, जिससे हमारा मेटल क्या या जॉब क्या हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी और कभी भी टूटने की संभावनाएं पूर्ण रूप से बन जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उद्देश्य से स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है, तो अंदरूनी स्ट्रेस को मतलब मॉडर्न साइड को टूरक्साइड में बदलने के लिए हमें नॉर्मलाइजिंग की आवश्यकता पड़ती है। निम्न में से किस स्टील को केस हार्डनिंग किया जा सकता है, केस हार्डनिंग की बात कर रहा है, तो जो लो कार्बन स्टील होते हैं उसके ऊपरी परत को हार्ड करने के लिए हम केस हार्डनिंग विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया करना क्या कहलाएगा, तो ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया की बात कर रहा है, तो यहाँ टेम्परिंग हो जाएगा, क्योंकि यही क्या करता है कि किसी भी जॉब को उसके अंदर की हार्डनेस प्रदान करने के पश्चात उसमें उत्पन्न हुई अतिरिक्त भंगुरता ब्रिटलनेस को समाप्त करने का उपयोगी माना जाता है और टेम्परिंग की आवश्यकता होती है। और पहले दूसरे नंबर टेम्परिंग में भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। जैसे हाई स्पीड स्टील की बात किया जाए तो 550 डिग्री सेल्सियस से लेके 600 डिग्री सेल्सियस तक पर क्या किया जाता है, टेम्पर किया जाता है हाई स्पीड स्टील को, ठीक है। इसके उद्देश्य में रहते हैं रेजिड्यूल रेजिस्टेंस को समाप्त करना, हार्डनिंग से रेजिड्यूल स्ट्रेस को समाप्त करना, जाब में आई भंगुरता को कम कर डक्टिलिटी को बढ़ाना, जाब की सामर्थ्य तथा टफनेस को बढ़ाना, जाब में कठोरता को कम करना, ऐसे कारण इसमें बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग स्टील के टफनेस बढ़ाने और भंगुरता को कम करने के लिए किया जाता है, तो कह रहा है कि स्टील की टफनेस बढ़ाने और भंगुरता को कम करने के लिए, तो यहां भी हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए हो जाएगा दोस्तों, केस हार्डनिंग की वह विधि जिसमें गर्म स्टील को अमोनिया गैस छोड़ा जाता है कहलाता है। जब अमोनिया गैस छोड़ा जाएगा तो वह किसमें आएगा, तो जिसमें अमोनिया गैस छोड़ा जाता है वह नाइट्राइडिंग में आता है। किसमें आता है, नाइट्राइडिंग में आता है। जिसमें अमोनिया गैस छोड़ी जाती है वह किस विधि में आती है, तो नाइट्राइडिंग में आती है। नेक्स्ट है, अनिलिंग का सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए स्टील को किस अवस्था में ठंडा करना चाहिए, तो ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। निम्न में से किस ताप पर हाई स्पीड स्टील को टेम्पर किया जा सकता है, किस ताप पर टेम्पर किया जा सकता है, तो अभी मैंने बताया कि 550 से 600 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या कर सकते हैं, उसको टेम्पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे स्टील की नाइट्राइडिंग निम्न में से कितना पान पर किया जाता है, नाइट्राइडिंग की बात कर रहा है, तो 500 से 550 इसके पहले मैं बता चुका हूँ। निम्न में से किस विधि में स्टील के फर्नेस में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो अनलिंग जब करेंगे, एनलिंग की बात कर रहा है, उसी भट्टी में वह बुझे हुए चूने के राख में छोड़ देती है। निम्न में से अनलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो अनलिंग का मुख्य उद्देश्य जो होता है, जब जाब हम अनलिंग कर लेंगे तो मशीनेबिलिटी को बढ़ाना, मतलब मशीनिंग कार्य करने के लिए वह जाब पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है मशीनेबिलिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाई स्पीड स्टील की हार्डनेस है टेम्परेचर कितना होता है, तो 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। हार्डनेस प्रोसेस में HSS मतलब हाई स्पीड स्टील को गर्म करने के पश्चात किस माध्यम में ठंडा किया जा सकता है, तो तेल के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। टफ कोर तथा डक्टाइल स्टील्स होती है क्या, तो केस हार्डनिंग होती है। टफ कोर कोर की बात कर रहा है या डक्टाइल की स्केल की बात कर रहा है, तो केस हार्डनिंग वाली प्रोसेस में सबसे अधिक देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से या नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील को किस माध्यम से ठंडा किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग तो कमरे के तापमान में क्या है कि नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया को ठंडा करने की विधि बताई गई है। निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा स्केल फ्री सतह पर निर्माण किया जाता है, तो इंडक्शन हार्डनिंग जो होती है स्केल फ्री सतह पर निर्माण किया जाता है। निम्न में से स्टील की नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य मतलब उत्पन्न स्ट्रेसों को दूर करना, मतलब इस मॉडर्न स्टाइल को टूरॉक्साइड स्टाइल में बदलना ही उसका मेन उद्देश्य होता है।
केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोनाइजिंग की जाती है, जिसका मतलब क्या होता है? तो सरफेस पर कार्बन का प्रतिशत मात्रा बढ़ाना केस हार्डनिंग का काम करता है। मतलब टफ हो जाएगा किसी भी पार्ट को, उस दूसरा पार्ट अगर उस पार्ट को काटेगा तो उसका विरोध वो करेगा, विरोधाभास करेगा। निम्न में से किस में चुंबकीयता का गुण सर्वाधिक होता है? तो फेराइट जो होता है उसमें मैग्नेटिक गुण सबसे अधिक होती है, फेराइट वाले लोहे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर नर्म और डक्टाइल होता है? तो फेराइट जो होता है वो नर्म तथा डक्टाइल होता है। फेराइट और कार्बन के रासायनिक मिश्रण क्या होता है? तो सीमेंटाइट होता है। कार्बन जिसमें रहेगा और फेराइट जिसमें रहेगा, कार्बन जिसमें सबसे ज्यादा रहेगा वह सीमेंटाइट हो जाएगा, ये क्लियर कर लीजिएगा। स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस को कम करने वाला हीटिंग विधि को क्या कहते हैं? तो टेम्परिंग कहेंगे। ठीक है, टफनेस बढ़ा देगा, ठीक है, ब्रिटलनेस को कम कर देगा, तो वह विधि हीटिंग कौन सी होगी? तो टेम्परिंग हो जाएगी, ये दिमाग में अवश्य बिठा लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से केस हार्डनिंग की किस प्रक्रिया में स्टील पर अमोनिया गैस का प्रभाव करते हैं? तो नाइट्राइडिंग में अमोनिया गैस एकदम क्लियर होता है और उसी पे प्रभाव करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की दो विधि होती है? साइनाइडिंग तथा नाइट्राइडिंग। तो ये विधि केस हार्डनिंग में साइनाइडिंग भी होती है तथा नाइट्राइडिंग, ये दोनों क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में किस उद्देश्य के लिए टूल स्टील की किसी खास तापमान पर गर्म करके करने के बाद क्वेंच करना जरूरी होता है? गर्म करने करना जरूरी होता है किसके किस उद्देश्य के टूल स्टील के किसी खास तापमान पर गर्म करके क्वेंच करना? तो हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये सबसे जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिना अलॉय वाली स्टील का हार्डनेस के पश्चात क्रैक किस कारण से होता है? मतलब बिना अलॉय वाली स्टील हार्डनिंग कह रहा है, तो पंच को तुरंत क्विंच, मतलब तुरंत क्विंच 180 डिग्री प्रति सेंटीमीटर सेमी की रफ्तार से उसको डायरेक्ट डाल देंगे तो उसमें क्रैक की संभावना बढ़ जाएगी। अलॉय स्टील की बात कर रहा है। हार्डनिंग करने के बाद धातु क्या हो जाता है? तो हार्डनिंग जब करेंगे तो धातु का गुण में देखेंगे तो ब्रिटल हो जाता है तथा हार्ड भी हो जाती है। ब्रिटल भंगुर होगा तो हार्ड तो होना ही सुनिश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस विधि द्वारा माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है? किस विधि में? तो केस हार्डनिंग, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर हार्ड एवं ब्रिटल होता है? कौन सा स्ट्रक्चर हार्ड? तो सीमेंट जिसमें कार्बन होगा तो वह तो हार्ड होगा ही होगा, ब्रिटल कार्बन होगा तो भंगुर होगा ही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सीमेंटाइट हो जाएगा। ऊष्मा उपचार की विधि अनिलिंग क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? तो सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए। ऊष्मा उपचार में क्या होती है? तो सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए, मतलब धातु को नर्म करने के लिए, उसके आंतरिक गुणों को सुधारने के लिए, ये सारी प्रक्रिया करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है? तो यहाँ पे दोस्तों फेराइट और सीमेंटाइट का जो मिश्रण की बात कर रहा है, तो दोनों ये ऑप्शन हमें गलत लग रहे हैं, बल्कि पियर लाइट जो होता है फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान होता है, जब हार्डनिंग कर रहे हैं तो लोअर क्रिटिकल तापमान पूछता, तो 723 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पियर लाइट में सीमेंटाइट की मात्रा होती है? पियर लाइट में तो 13% सीमेंटाइट की मात्रा होती है। निम्न में से हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो स्टील के यांत्रिक गुणों को बदलना, उसके सुधार करना, बदलना, चेंज करना, परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विंचिंग माध्यम का उचित बढ़ता क्रम कौन सा है? तो फोस्डर एयर तेल ब्राइन सॉल्यूशन, ये क्या है कि क्विंचिंग माध्यम का उचित बढ़ता हुआ क्रम होता है। नेक्स्ट है, स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने के बाद स्ट्रक्चर में जो आंतरिक परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? तो ऑस्टेनाइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अपर क्रिटिकल की बात कर रहा है तो ऑस्टेनाइट हो जाएगा।
यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्ट्रक्चर पर स्टील की नॉन मैग्नेटिव होती है, किस स्ट्रक्चर पर? तो आस्टेनाइट पर, मतलब जब वहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर होता आता है तो नॉन मैग्नेटिक का गुण उसमें समाहित होने लगता है। नेक्स्ट है, आस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? मॉडर्न साइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? मॉडर्न साइट कहलाएगा। निम्न में से किस स्ट्रक्चर में कंपन सहन करने की शक्ति होती है? तो ट्रस्टाइट जो होता है उसमें कंपन सहन करने की सबसे अधिक शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्विंचिंग माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो तेल। हाई स्पीड स्टील की बात करेगा तो तेल पर ट्रिक खड़ाक से मार दीजिएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मॉडर्न साइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर दोबारा गर्म करके ठंडा किया जा सकता है, तो वह बनता क्या है? तो ट्रस्टाइट बनता है, मतलब दोबारा की मामले तो वहां पे ट्रस्टाइट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट की टेम्परिंग करने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? तो टफनेस बढ़ाना के बात कर रहा है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर टेम्पर्ड स्टील के रूप में पाया जाता है? तो सर्बाइड जो होता है वह टेम्पर्ड स्टील के रूप में पाया जाता है। निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा लो कार्बन स्टील के सरफेस पर कार्बन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है? लो कार्बन की बात कर रहा है तो कार्बोराइजिंग जो होती है, कार्बन की प्रसरणता इसमें बढ़ाई जाती है। किस कंपोनेंट को टफ और डक्टाइल कोर को हार्ड बाहरी सरफेस के साथ बनाने के लिए हम कहते हैं? तो केस हार्डनिंग में बाहरी कोर को टफ और तथा डक्टाइल बनाने के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें इस्पात में कार्बन की अधिकतम या अधिक मात्रा मिला देने पर बढ़ जाती है क्या कठोरता सबसे अधिक बढ़ जाती है? लोहा में जब कार्बन डालेंगे तो कठोरता बढ़ जाएगा। यदि बीयरिंग का बाह्य रूप मजबूत करना हो तो कौन सी पद्धति अपनानी पड़ेगी? बीयरिंग का बाह्य रूप की बात कर रहा है तो कठोर करना, तो कार्बोनाइजिंग पद्धति की विधि अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ठंडा होने की दर को कंट्रोल करने करके प्राप्त किया जा सकता है? तो सर्बाइट विधि जो होती है कंट्रोल करके प्राप्त हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें इस्पात के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें से क्या मिलाया जा सकता है? तो क्रोमियम जो होता है संरक्षण प्रतिरोध की वृद्धि करने के लिए हम मिला सकते हैं। हाई स्पीड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी तक होती है? 0.5 से 1.5% तक होती है। किस स्ट्रक्चर में सेमनटाइट कम पाया जाता है? सेमनटाइट, तो ए तथा बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। पियरलाइट तथा सर्बाइड जो होता है उसमें सीमेंटाइट की मात्रा क्या होती है? सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है? तो मृदु इस्पात जो होता है, नरम इस्पात नहीं, कठोर इस्पात नहीं, पीटवा इस्पात नहीं, पीटवा इस्पात मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो हमारे ख्याल से 99.8 जो होता है वह राइट आयरन मतलब इस्पात के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बट इसमें क्या है कि मृदु इस्पात दिया हुआ है, इसमें भी तो मृदु इस्पात में भी तो कम होता है, जैसे 0.15 तक परसेंटेज तक होती है, तो हम ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। बट उसके पहले क्या है कि ये हर जगह ऑप्शन नहीं दिया इस प्रकार का, तो इन दोनों में ऑप्शन नंबर ए तथा ऑप्शन नंबर डी में कन्फ्यूजिंग है। तो कन्फ्यूजिंग दूर कैसे किया जाएगा? तो पिटवा इस्पात की बात करेंगे तो कार्बन के प्रतिशत सबसे कम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस्पात में कार्बन की प्रतिशत क्लियर दर्शाया नहीं गया है। ठीक है, तो जब क्लियर दर्शाया नहीं गया है बट इसमें नरम में तथा कठोर में और मृदु इस्पात में, इन तीनों में दर्शाया गया है, तो तीनों में सबसे कम मृदु इस्पात होगा। तो जब मृदु इस्पात होगा तो ऑप्शन नंबर सही हम इसे मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंपाउंड लिक्विड कार्बोनाइजिंग की बात में प्रयोग नहीं होता? तो सोडियम सल्फेट जो होता है उसमें प्रयोग लिक्विड कार्बोनाइजिंग की बात में प्रयोग नहीं होता। जिस तापमान पर स्टील की आंतरिक बनावट में परिवर्तन आरंभ हो जाता है कहलाता है, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। जो परिवर्तन चेंज होना शुरू होगा
तो लोअर किट का टेम्परेचर कहलाएगा, जब पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाएगा तो अपर किट का टेम्परेचर कहलाता है। अपर किट का टेम्परेचर का तापमान की बात कर रहा है यहाँ पे, तो 800 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके ऊपर ही बात करेंगे। लोअर की बात करेंगे तो 723 हो जाएगा, ठीक है। जिस बिंदु पर कार्बन आयरन पूरी तरह से घुल जाती है क्या कहलाता है, तो अपर किट का टेम्परेचर आयरन, आयरन कह रहा है, आयरन कार्बन जब पूर्ण रूप से घुल जाएगा, जब एक दूसरे में मिल जाएंगे, तब वह अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तापमान से लेके अपर क्रिटिकल के मध्य के तापमान को क्या कहते हैं, तो क्रिटिकल रेंज बोलेंगे। जब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा, तो इसकी मध्य के क्रिटिकल रेंज कहेंगे। यहाँ दोस्तों हीटिंग दिया है, तो जब स्टील के पार्ट को निश्चित तापमान पर गर्म कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसे कुछ समय उसी तापमान पर रखा जाता है। इस प्रोसेस को हम सोकिंग बोलेंगे, मतलब सोकिंग बोलेंगे। और हीटिंग की बात करेंगे तो इस चरण में हीट ट्रीटमेंट करने वाले स्टील के पार्ट को गर्म तो किया जाता है, लेकिन स्टील के कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, आकार एवं साइज पर ही निर्भर करता हुआ हीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, स्टील की कॉम्पोजिशन भी हो जाएगा और आकार, ये तीनों मैंने बोला तो तीनों सही हो जाएगा। हीट ट्रीटमेंट विधि के लिए किस फर्नेस का प्रयोग करते हैं, तो ए एंड बी मैनुअल कंट्रोल के वातावरण कंट्रोल्ड, ये दोनों का हम फर्नेस प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट है स्टील के पार्ट को निश्चित निश्चित तापमान पर गर्म करके उसी तापमान में ठंडा करना कहलाता है, तो उसी टेम्परेचर में, तो सोकिंग की बात कर रहा है, ठीक है। निश्चित तापमान पर गर्म करके और उसी के तापमान पर रखना, तो सोकिंग हो जाएगा। एक स्टील के पार्ट को 723 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है, ठीक, कुछ देर इसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो एनलिंग करेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, तो अनलिंग कहेंगे। अभी थोड़ा सा गर्म किया था, पूर्ण रूप से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कार्बन और लो स्टील के 10 mm थिकनेस के लिए सोकिंग अवधि जो होती है वह 5 मिनट होती है। 10 mm की थिकनेस के लिए 5 मिनट हो जाएगी। हार्ड एलाय स्टील के 10 mm थिकनेस के लिए सोकिंग अवधि की बात कर रहा है, तो हार्ड एलाय की तो 10 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड एलाय का 10 मिनट। हीट ट्रीटमेंट के लिए लिए निम्न में से कौन सा फर्नेस प्रयोग किया जा सकता है हीट ट्रीटमेंट के लिए, तो एमनुअली कंट्रोल, वातावरण कंट्रोल, ये दोनों बताएं इसके पहले। स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक और ऊष्मा उपचार प्रोसेसर किया जाता है, निम्न में से उस प्रोसेसर को पहचानिए, तो टेम्परिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्थ एक प्रकार के फर्नेसों को गर्म किया जा सकता है, उसको गैस में भी, तेल में भी, बिजली में, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाथ प्रकार के फर्नेसों में प्रयोग किए जाने वाले मिश्रण जो होते हैं वो सोडियम क्लोराइड भी होते हैं, सोडियम साइनाइड भी होते हैं और बेरियम क्लोराइड भी होते हैं। स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा करने पर निम्न स्ट्रक्चर बनता है, तो मार्टेरन साइट बनता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो मार्टेरन साइट बनता है। थर्मोकपल का प्रयोग किया जा सकता है, तो थर्मो इलेक्ट्रिकल पायरोमीटर के लिए थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिकल पायरोमीटर में थर्मोकपल जुड़ा होता है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ा होता है। हार्डनिंग प्रोसेस में हाई स्पीड स्टील के टूल को 1250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके पश्चात निम्न क्वेंचिंग में ठंडा करते हैं, उसे तेल कहते हैं। साल्ट बाथ फर्नेस के लिए किस तापमान का प्रयोग किया जा सकता है, तो किस टेम्परेचर का, तो थर्मो इलेक्ट्रिकल पायरोमीटर का प्रयोग हम कर सकते हैं। किसका, थर्मो इलेक्ट्रिकल पायरोमीटर का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे 1300 डिग्री सेल्सियस तक या उससे ज़्यादा तापमान मापने के लिए
ऑप्टिकल पायरोमीटर का हम प्रयोग करेंगे। इस प्रक्रम में धातुओं के ठोस अवस्था में ही गर्म ठंडा करके उनके अंदर के वांछित गुणों का विकास किया जा सकता है तथा यह कथन निम्न में से किस प्रक्रम को संकेत करता है, तो ऊष्मा उपचार प्रक्रम को संकेत करता है या उसे ही दर्शाता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा उपचार प्रक्रम निम्न में से कौन सा उद्देश्य को पूर्ण करता है, तो उपरोक्त सभी मतलब धातुओं की मशीनेबिलिटी को बढ़ाना तथा ग्रेन साइजों को सुधार करना, धातुओं की कठोरता समर्थता को बढ़ाना। इस्पात की कठोरता प्रदान करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होती है इस्पात की, तो इस्पात में कम से कम 0.3% कार्बन अगर रहेगा तभी उसकी कठोरता निर्भर करेगा, अन्यथा नहीं निर्भर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो किसी जाप पर नॉर्मलाइजिंग प्रक्रम करने का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे, तो सामर्थ्य और कठोरता बढ़ाना, कास्ट किए गए जाप के कणों को समान महीन बनाना, यांत्रिक गुणों का विकास करना, नॉर्मलाइजिंग के सारे उपरोक्त सब सही हो जाएगा। कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा निम्न में से किस अवयव को केस हार्ड किया जा सकता है, तो कैम को भी, गियर को भी, बियरिंग को भी, सारे को क्या है केस, ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। इस विधि द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी केस हार्ड किया जा सकता है जिन्हें भट्टी में गर्म करना संभव नहीं होता, कथन द्वारा किसी विधि को इंगित किया जा सकता, तो फ्लेम हार्डनिंग जो होती है इस विधि में ऐसे केस हार्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नाइट्राइडिंग की जाती है तो मैग्नीज स्टील की भी की जाती है, क्रोमियम स्टील की भी की जाती है, कार्बन स्टील के भी किया जाता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कार्बन स्टील को डॉट पर टेम्पर किया जा सकता है, तो 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन स्टील को हम टेम्पर कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट में कौन सा कर्व का प्रयोग किया जा सकता है, तो ट्रिपल टी कर्व का हम प्रयोग कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट का ये कोड है, ट्रिपल टी जहाँ पे दे देगा वह क्या हो जाएगा, जहाँ पे हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग किया गया है। क्रैंकशाफ्ट में कौन सा हार्डनिंग प्रयोग किया जा सकता है, क्रैंकशाफ्ट की बात कर रहा है तो कौन से हार्डनिंग का प्रयोग किया जा सकता है, तो इंडक्शन हार्डनिंग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग किया जा सकता है। केस हार्डनिंग में लो कार्बन स्टील को किस तापमान पर गर्म किया जा सकता है, तो 800 से 950 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या कर सकते हैं, हम गर्म कर सकते हैं। केस हार्डनिंग की बात जब करेगा तब हम इसको बताएंगे। नेक्स्ट है एनरिंग धातुओं, नेक्स्ट है एनिलिंग से धातुओं का कौन सा गुण सुधार होता है, उसके बात कर रहा है यहाँ पे, तो कौन से, ये सभी सही हो जाएगा, यांत्रिक गुण, ग्रेन आकार, विद्युत गुण, ये सारे सही हो जाएंगे। किस हार्डनिंग की विधि से स्टील को तुरंत हार्ड किया जा सकता है, तो इंडक्शन हार्डनिंग विधि से स्टील को तुरंत हार्ड हम कर सकते हैं। किस विधि की सहायता से धातु को सॉफ्ट नरम किया जा सकता है, तो भट्टी वाली जो विधि होती है वो किसके अंतर्गत आती है, तो नॉर्मलाइजिंग के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, तो नॉर्मलाइजिंग के अंतर्गत आती है। निम्न में से किसका, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हमारा सही हो जाएगा, तो एनिलिंग हो जाएगा, ठीक है, एनिलिंग हो जाएगा। निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम होता है, तो चांदी का गलनांक इस समय क्या होता है, सबसे कम होता है। नमस्कार दोस्तों।